हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एलन वी ओपेनियम का 9.28 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 9.28 प्रॉब्लम नंबर में एलटीआई सिस्टम दे रखा है, जिसका सिस्टम फंक्शन एचएस हैज पोल जीरो पैटर्न शोन इन फिगर। इसके पोल जीरो पैटर्न फिगर में दे रखे, पोल जीरो पैटर्न आर गिवन इन फिगर। HS have one pole at S equal to minus 2, another pole at S equal to minus 1, and third pole at S equal to plus 1, and a zero at S equal to 2. Then HS have three pole and one zero. In problem number first, indicate all possible ROC that can be associated with these pole zero pattern. इस पोल जीरो पैटर्न से कितने पॉसिबल आरओसी हैं, कितने आरओसी पॉसिबल हो सकते हैं। तो वर्टिकल लाइन हम खींचे इस पोल पे, वन वर्टिकल लाइन, टू वर्टिकल लाइन, थ्री वर्टिकल लाइन। जीरो से आरओसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो थ्री वर्टिकल लाइन से कितने पॉसिबल आरओसी हो सकते हैं, कितने रीजन हो सकते हैं पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ रीजन आर पॉसिबल फ्रॉम थ्री वर्टिकल लाइन, थ्री पोल्स। फर्स्ट रीजन लेफ्ट साइड ऑफ माइनस टू, दिस विल बी रीजन। सेकेंड रीजन माइनस टू माइनस वन, इन बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन। एंड थर्ड रीजन इज इन बिटवीन माइनस टू माइनस वन एंड प्लस वन। एंड फोर्थ रीजन इज राइट साइड ऑफ प्लस वन। पॉसिबल आरओसी होगा, पॉसिबल आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस टू, लेफ्ट साइड ऑफ माइनस टू, माइनस टू के पहले वाले आर, ये पॉसिबल आरओसी हो गया माइनस टू के पहले। दूसरा सेकेंड पॉसिबल आरओसी माइनस टू और माइनस वन, इन बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया ग्रेटर देन माइनस टू एंड लेस देन माइनस वन। थर्ड पॉसिबल आरओसी इन बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, ग्रेटर देन माइनस वन एंड स्मॉलर देन प्लस वन। फोर्थ आरओसी ग्रेटर देन प्लस वन, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन प्लस वन। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट कंप्लीट हो गया कि क्या क्या पॉसिबल आरओसी है। आरओसी कैन बी रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस टू, रियल पार्ट ऑफ एस इन बिटवीन माइनस टू एंड माइनस वन, एंड रियल पार्ट ऑफ एस इन बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, एंड रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन प्लस वन। फॉर ईच आरओसी आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, स्पेसिफाई वेदर एसोसिएटेड सिस्टम इज स्टेबल और कॉजल। ये बात हम पहले ही समझा चुके हैं कि कॉजल सिस्टम का आरओसी राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल होता है। आरओसी ऑफ कॉजल सिस्टम इज राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल, एंड आरओसी ऑफ स्टेबल सिस्टम इज मस्ट कंटेन जे ओमेगा एक्सिस। स्टेबल सिस्टम का आरओसी के अंदर जे ओमेगा एक्सिस लाई करना चाहिए। तो पहले वाले में देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस टू, ए राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल है क्या, नहीं है। जे ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर आ रहा है क्या, जे ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। इस वाले आरओसी को देखिए तो इसमें ना राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल है ना जे ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर आ रहा है। तो बी पार्ट अब करने जा रहे हैं, बी पार्ट सभी आरओसी के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा स्टेबल है सिग्नल के आरओसी है, कौन सा कॉजल सिग्नल का आरओसी है। तो नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल, पहला ए पार्ट का हो गया, नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल। हाँ, लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल है तो इसे आप एंटी कॉजल भी बोल सकते हैं। एंटी कॉजल मतलब एच टी इक्वल टू जीरो,
और टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब राइट साइड एच टी इसका जीरो होगा कंप्लीटली, टी है ना राइट हाफ नहीं एच टी जीरो होगा, तो एंटी कॉजल ऐसा बोल सकते हैं इसको। सेकेंड आरओसी को देखें, अगर ए आरओसी हो तो क्या जी ओमेगा एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस आरओसी के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल भी नहीं है, इसको हम बोलेंगे नाइदर स्टेबल। इस ए भी क्या हो गया? नाइदर स्टेबल नहीं है। ये नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल, ठीक है, नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल, ना तो ये स्टेबल होगा ना तो कॉजल होगा, मतलब इमेजिनरी एक्सिस इस आरओसी के अंदर नहीं आ रहा है और राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल भी नहीं है। थर्ड पार्ट का देखते हैं, थर्ड आरओसी का। हाँ, थर्ड आरओसी को अगर देखें तो इमेजिनरी एक्सिस आरओसी के अंदर आ रहा है लेकिन राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल नहीं है। इसको बोल सकते हैं कि स्टेबल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? स्टेबल सिस्टम है बट नॉन कॉजल सिस्टम है। स्टेबल तो है लेकिन कॉजल नहीं है। कॉजल सिस्टम होता जब जब राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल होता, जब रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन वन को ले ले, वन के राइट साइड वाला आरओसी ले ले, तो इमेजिनरी एक्सिस तो इस आरओसी के अंदर नहीं आएगा लेकिन राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल है, मतलब कॉजल तो है, कॉजल बट नॉट स्टेबल। कॉजल है पर स्टेबल नहीं है। तो बी पार्ट में भी फोर सिग्नल पॉसिबल थे, फोर ऐसे सिग्नल पॉसिबल हैं जिनका ये पोल जीरो पैटर्न हो सकता है। इन चार के चार सिग्नल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि कौन सा सिग्नल स्टेबल है, कौन सा सिग्नल कॉजल है। पहला सिग्नल नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल है, दूसरा भी नाइदर स्टेबल नॉर कॉजल है, तीसरा स्टेबल है बट नॉट कॉजल है, चौथा कॉजल है बट नॉट स्टेबल है। तो पोल जीरो पैटर्न से हम पता कर सकते हैं कि कितने सिग्नल पॉसिबल है, और जो सिग्नल जिसका एक पोल जीरो पैटर्न है वो सिग्नल स्टेबल है, कॉजल है, क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि मजा आ रहा होगा इन सब वीडियोज को देखने में और कंसेप्ट आपका इंक्रीज करता जा रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो हम देखते जाएंगे और देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे तो कंसेप्ट मास्टर होते चले जाएंगे सिग्नल सिस्टम में। तो मास्टरी हासिल करनी है तो एक एक वीडियो वन बाय वन सारे वीडियोज को देखिए। हमने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज को अरेंज कर रखा है पैटर्न वाइज ताकि पता चल पाए कि कौन सा वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करिए ना चैनल को, जो भी वीडियो देखते हैं पसंद आता है अपने कलीग्स में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।